मेरे YouTube चैनल YCM व्लॉग 768K में। तो आज हम लोग आप लोगों को अपने ट्यूशन का रास्ता दिखा रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा ट्यूशन का रास्ता कि हम लोग किधर से जा रहे हैं। ये देखिए, ये तो फिलहाल हमारे ट्यूशन का रास्ता हो गया, लेकिन अभी हम लोग आपको अपने ट्यूशन की जगह भी बताएंगे। वो भूख आ गई। तो अभी वो हमारे एक दोस्त को बुलाने गई है, उसकी दोस्त है मतलब। वो अब पता नहीं अब कब आती है। दुल्लार चलिए चलिए, अभी हम लोग ये देखिए राउंडिंग ऑफ है नीचे गए। जो मैंने हमें आपको सुबह वाली उसमें बताया था। ये देख सकते हैं, ये पत्थर है, इसमें कहा जाता है कि जो भीम है ना, जो दो बड़े पत्थर है उसको कहा जाता है कि भीम ने उनको उठा के यहाँ पे रखा है, महाभारत वाले भीम ने। हाँ तो वो देखिए, वो अभी घर बन रहा है उधर। हम आपको नीचे का रास्ता तो दूसरी वीडियो में दिखाएंगे, ऊपर का रास्ता दिखाएंगे। यहाँ से देख सकते हैं हम चढ़ाई कितनी है, और जहाँ हम लोगों ने आपको अभी वो सुबह मंदिर दिखाया था वहाँ का रास्ता यही है उसका रास्ता। तो यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं। हम लोग आप लोगों को दिखा देंगे कि हमारे मंदिर का रास्ता किधर से है। यहाँ से हमारे ट्यूशन का रास्ता और यहाँ से मंदिर का रास्ता। वैसे तो अभी मंदिर के रास्ते पे ज्यादा गौर ना करते हम लोग, ट्यूशन पे ध्यान देते हैं। अभी हमारा ट्यूशन यहाँ है। तो सॉरी गाइस, अब हम लोगों को ये व्लॉग पॉज करना पड़ेगा, बट सर का घर दिखाने के बाद ही, सर का जो हाउस है वो दिखाने के बाद ही हम व्लॉग को एंड करेंगे। बट जब हम वापस जाएंगे, अभी एंड भी नहीं हुआ है, जब हम वापस जाएंगे तब दिखाएंगे सर का घर। ये हो चुका है सर। ये रहा सर का घर, हम जा रहे हैं। बाय गाइस, अभी ये वीडियो एंड। हाय गाइस, तो अभी हमारी छुट्टी हो चुकी है ट्यूशन की, और अब हम लोग जा रहे हैं घर। तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी हम लोग घर जा रहे हैं, और आप लोग देख ही सकते हैं कि गाइस आप लोग देख सकते हैं इस रास्ते में कितने ज़्यादा सूखे पौधे हैं और गाय के गोबर। आज मैं आपसे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक में बात करना चाहूँगी, जो आप अगर देखेंगे तो बोलेंगे कि क्या रास्ता है इन बच्चों के ट्यूशन जाने का, बेचारे कैसे रास्ते में जाते हैं, बीमार भी हो सकते हैं। तो अभी आप लोग देखना, जो आप अभी देखोगे उस हिसाब से आप लोगों को भी खुद लगेगा कि यहाँ इतना पूरा कचरा है कि यहाँ पर आने वाला आ भी गया ना तो कोरोना से भी ज़्यादा बीमारी। और गाइस, इस वीडियो को आप प्लीज गाइस, मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि आते जाते हर इंसान के लिए एक प्रेरणा होगी कि यहाँ कितनी धूल हो रखी है। आप लोग खुद देख सकते हैं, यहाँ पैकेट ऐसे फेंके हैं लोगों ने। आते जाते कोई भी इंसान को पता है कोरोना से भी बुरी बीमारी हो जाएगी इस धूल से, इस कचरे से। आप लोग खुद देख पा रहे होंगे, परसों ही मेरे को बुखार चढ़ा था, और मेरी दीदी को भी परसों ही मेरी दीदी को भी बुखार चढ़ा था। और मैं धूल में गया था इसी वजह से, मैं इस कचरे के रास्ते में आ रहा हूँ।
प्लास्टिक जला दे रहे और और इन्वायरमेंटल हमारे पूरे इन्वायरमेंट को दिक्कत हो रही है जो उसका क्या। जैसे कि गाइस मेरे सुबह दीदी ने बताया था कि यहाँ कितना पॉल्यूशन हो रहा है, अभी आप लोग खुद ही देख सकते हैं गाइस यहाँ ऐसे ये आप खुद अंदाजा लगाइए, यहाँ ये पौधे सूखे नहीं होंगे पहले से, ये हरे भरे होंगे लेकिन इनको तोड़ा गया होगा ताकि इनको सुखाए और जलाए, इससे ज़्यादा काम कुछ हो सकता है इधर का। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पौधे तोड़ के लगा रहे हैं लेकिन। तो गाइस आप लोग जो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ आप समझ ही पा रहे होंगे, तो आप लोग यहीं पे देख लीजिए ये देखिए। तो गाइस आप लोग खुद यहाँ पे देख लीजिए ये क्या सामान है इधर रखा हुआ, धूम्रपान की चीज है और लोग इसे ऐसे ही फेंक दे रहे हैं, या तो लोगों को जमा करना चाहिए। और यहाँ देखिए प्लास्टिक जलाया हुआ है इधर देखिए, जिससे हमारे हमारे पर्यावरण को हमारी हमारी हमारा पूरा 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 पर्यावरण इतना ज्यादा पानी, और वो देखिए वहाँ पानी ऐसे वेस्ट हो रहा है। गाइस आप लोग खुद समझ सकते हैं कि यहाँ लोगों की यहाँ लोग मतलब समझते क्या हैं, हाँ कि पानी भी कि पानी ऐसे ही आ रहा है, इसलिए नल भी बंद नहीं हो रहा। तो गाइस अभी हम वहाँ का पानी बंद कर चुके हैं और आप लोग यहाँ पे ही देख लीजिए कितना कितनी प्लास्टिक की चीजें ऐसे ही लोग फेंक देते हैं। जब हम लोग चॉकलेट खा रहे थे तो हम लोगों ने वो नदी में फेंक दिया लेकिन यहाँ नहीं फेंका। तो गाइस अब आप लोग यहाँ पे देख लीजिए अगर इतना कूड़ा कचरा फैलाएंगे लोग तो पता हमारी जिंदगी में अकाल पड़ जाएगा, अकाल। ऐसे ही हम लोग कूड़ा कचरा फैलाते रहे। तो गाइस आप लोगों को अभी पता ही है कि एक नई बीमारी आ गई है, तीसरी लहर कोरोना की ओमिक्रॉन, अगर हमें उसे बचा रहना है तो पूरे भारत को स्वच्छ करना पड़ेगा। और यहाँ देखिए लोगों के कैसे हाल हो रखे हैं, जब ऐसा ही लोग करते रहेंगे तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि दुनिया पे अकाल पड़ जाएगा, समझ पा रहे हैं। चलो हम लोग पुल पे चलते हैं, ये देखिए गाइस ये हमारा खाया हुआ है जो हम लोगों ने अभी चॉकलेट खाई थी, और आप लोग देख सकते हैं हम लोग इसे ना ही किनारे में फेंके थे क्योंकि अगर किनारे में फेंका तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करेंगे, इसे जला देंगे और प्लास्टिक को जलने की वजह से हमारा पर्यावरण बर्बाद हो जाएगा। तो अब आप लोग देख सकते हैं क्या कर रहा हूँ, देख लीजिए मैं पूरे को मैंने वहां नदी में बगा दिया बहा दिया। गाइस तो ठंडा गाइस यहाँ मौसम ही देख लीजिए, मौसम ही कह रहा है कि मैं गुस्सा हो गया क्योंकि तुमने पर्यावरण में आता है ना मौसम भी, तो मौसम कह रहा है कि तुमने हमें स्वच्छ नहीं करा तो अब हम तुम्हें क्या देंगे, बादल बारिश तूफान। तो आप लोग देख ही पा रहे हो तो गाइस अब हम लोग क्या बोल सकते हैं पर्यावरण के लिए जब इतने जिद्दी लोग ही नहीं मान रहे, लेकिन कोई बात नहीं अब मेरी दीदी व्लॉग बनाएगी। तो हेलो गाइस तो मेरा नाम है माही और आपका स्वागत है, मैंने आपको बाद में कहा था की सेवा करनी चाहिए। ये ना बात नहीं 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 गाइस तो देख सकते हैं हमारे कितना गंदा हो रहा है जगह, मतलब अब धो तो आप बोलो मतलब आप लोग देख ही सकते हैं कि यहाँ अभी भी कितनी धूल मची है, लोग वहाँ प्लास्टिक के इतने इतने बड़े बड़े बोतल फेंक दे रहे हैं और यहाँ ये प्लास्टिक अब जब देखना लोग बहुत बोलते हैं ना नगर निगम तो वैसे तो तेजम्बर कोई नगर निगम है नहीं लेकिन
लोग बोलते हैं ना हम लोग यहाँ स्वच्छता करवाएंगे, वो करवाएंगे, किधर है वो स्वच्छता? हाँ मुझे तो कहीं नहीं दिख रही, यहाँ तक कि हमारे व्लॉग मेकर माही आर्या को भी नहीं दिख रही। हाँ तो आप लोग आज तो लोग से सबसे मेन हमारे ट्यूशन दिखाने का नहीं था, आज मैं आप लोगों को दिखाने जाता था कि पर्यावरण पर्यावरण कितना गंदा है। तो पीछे से आ चुकी है हमारी दादी और मेरी दादी और मेरी बहू, देख सकते हैं गाइस दादी जी। जाओ जाओ तो हम जा रहे हैं घर। ये रास्ता दिखाते हुए चलो ना, ये रास्ता तो हम गाइस आप लोग देख ही सकते हैं, आप रास्ता दिखाते हुए चलिए ना इनको, मेरा चेहरा क्या दिखा रही है। जी जी बहुत बड़ा है, तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए आप यहाँ पे कूड़ा एक साथ जमा तो करे लेकिन उनने इस कूड़े को कुछ और करने की सोची ना, तो जलाने की। और यहाँ देखिए ये रोड शुरू हो गई फिर भी इतना कचरा है, तो अभी हम लोग घर पहुंच चुके हैं और मेरी बहन भी आ गई है, तो गाइस अब हम लोग घर आ चुके हैं और फिलहाल मेरी बहन भी अभी नीचे ही है। तो अगर आप लोगों को इस बार हमारा वीडियो या ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। मैं हाथ जोड़ता हूँ, बाय।